हेलो गाइस, कैसे हो लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है। आज गाइस मेरा रिजल्ट है तो चलो अभी हम चलते हैं। तो चलो गाइस अभी हम लिफ्ट के अंदर आ गए। और गाइस मेरी मम्मी भी है अपडेट देंगे। चलिए तो चलिए तो रिजल्ट लेने जाते हैं और देखते हैं वहाँ की क्या रूटीन अपडेट होती, तो हम आपको बताते हैं। वहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग स्कूल में आ गए हैं। अभी अंदर जाते हैं, शायद अंदर तो सूट करना अलाउ नहीं होगा, तो अब हम स्कूल। हाय गाइस, चलो तो फाइनली हम लोग स्कूल से आ गए। फेस का रिजल्ट आ गया। फेस का रिजल्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आ गया। मेरा बेटा पास हो गया और बहुत खुशी हुई इसको पास हो गया तो देखकर। और बस अभी कल बुक्स लेने जाना है और फिर 1 अप्रैल से इसकी एग्ज़ाम, अरे सॉरी एग्ज़ाम स्कूल 3rd की चालू हो जाएंगी। तभी तो देखो रोज़ा नहीं रखा है, मस्त वेफर वेफर कुछ खा रहा है, खुशी में पास होने की खुशी में वेफर भी लेके आया कि वेफर खिला दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो वेफर खा रहा है। चलिए आज तो काम भी सब जल्दी हो गया। अब कुछ थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, जैसे कपड़े डालना है। वरना 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया और कोई रूटीन भी नहीं, क्योंकि 2 दिन से तो मैं शॉपिंग में लगी थी। कुछ चीज़ वो चेंज करवाने की थी या फिर उसको वापस से वो करने की, तो उसमें लगी थी, तो वो भी रह गया था। और कल अचानक से सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो वो भी बहुत एनी टाइम पर आया। तो फिर इस तरह का तो कुछ शूट होना का मिला ही नहीं मेरे को। तो चलिए आज फिर से नॉर्मल रूटीन पे आएंगे। आज क्या क्या मेरी इफ्तारी बनती है, क्या क्या मेरा वो भी होता है, जो कुछ भी होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए तब मैं बाद में मिलती हूँ आपको। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय, अल्लाह हाफिज। चलिए तो गाइस ये देखो फेस का रिजल्ट है। इसके स्कूल ये है फादर एंजल स्कूल। अब मैं इसको स्कूल का सब उसका वो बताती हूँ। माशाल्लाह इस बार काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। इसकी पहली एग्ज़ाम हुई थी वो, ये इसकी सेकेंड एग्ज़ाम का आया। सब में अच्छे मार्क्स आए, सिर्फ यहाँ कंप्यूटर में थोड़े कम आए, बाकी का सब कुछ अच्छा आया और गुड आया। और यहाँ पे ये सब प्रिंसिपल जो सब लोगों के सही। और मेरा बेटा यहाँ पे ये जो लिखा था पास, ये देखकर बहुत खुश हो गया था कि नहीं मैं पास हो गया। तो ये फाइनली इसका रिज़ल्ट है। अब ये 3rd में आ जाएगा। तो चलिए माशाल्लाह ज़रूर बोलना। अभी 1-2 दिन में बुक्स भी लेने जाना है। तो ये मेरे फेस का रिजल्ट और ऐसा कुछ रिजल्ट होता है और ऐसा कुछ आपके घर में बच्चे ऐसा करते हैं क्या? बच्चे मेरे माँ का तो ये फेस कर रहा है, देखो कितने बड़े इसके नेल्स हो गए हैं। अच्छा है कि ये खाना कुछ कुछ चीजें ऐसी है तो अपने हाथ से खाता है चल जाता है, नहीं तो सारे बैक्टीरिया जर्म्स भी इसके पेट में चले जा रहे हैं। ना वो हाथ दो, ये काट लिए सब पूरे।
इसके बुलते इनसे बोल रहे थे मेरे को कि रात को इसको खुजली आती, मच्छर काटते, पता नहीं इतना जानता बड़े बड़े नाखून से ये। तो मेरा हस्बैंड मुझे रोज बोलते थे कि इसके नाखून काट ले, इसके नाखून काट ले। स्कूल चालू मंडे से तो फिर काटना पड़ेगा, नहीं फिर टीचर लोग पनिशमेंट देंगे इसको, नहीं कट करेंगे तो सब कुछ नहीं करेंगे। तो गाइस फाइनली मेरा नेल हो गया, ये देखो दिख रहा होगा, और मेरे जो नाखून है ये ले गाइस मेरे नाखून, ये देखो जा पैक कराओ। चलिए तो गाइस मैं अब फिर से आ गई हूँ किचन में, शाम का वक्त हो गया, करीब 5 बज गए। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपरेशन तैयार करनी थी। पहले तो मैंने सब बर्तन अच्छे से धो के अपनी जगह पे रख दिए, फिर उसके बाद आज दही वड़े बनाने के थे तो उड़द की दाल और मूंग की दाल को भिगा दिया था, तो उसका भी एक अच्छा सा पेस्ट बनाने का था। और आज इफ्तारी में दही वड़े और पिज़्ज़ा बनने वाला था, तो बस इसकी मैं तैयारी कर रही थी। फिर बाद में मुझे जो भी चिकन फ्राई जो भी सब कुछ करना था वो मैंने सब कुछ करा, पूरी प्रिपरेशन तैयार करके मैंने रख दी कि फिर बाद में जो भी कुछ हो नॉर्मली सिर्फ अपने को फ्राई करने का रहे और पिज़्ज़ा को सिर्फ मेरे को ओवन में रखने का हो। तो बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे ब्लॉग को देखिए और एंजॉय कीजिए और लाजमी सब्सक्राइब कीजिए गाइज। आप लोग ब्लॉग तो देखते हैं लेकिन मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार मेरे को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए। चलिए तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे आगे के ब्लॉग को देखिए। और यहाँ पे मैंने उड़द की दाल और मूंग की दाल सुबह से भिगा दी थी, अच्छे से भीग गए, फिर उसको ग्राइंडर में मैंने अच्छे से पीस लिया, एकदम पेस्ट टाइप बना लिया, फिर वो पेस्ट हो गया। उसके बाद उसके अंदर मैंने अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दिया और अखा जीरा डाल दिया और मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डाल दिया और उसको अच्छे से फेंट लिया और उसको थोड़ी देर तक मैंने उसको रेस्ट के लिए रहने दिया। फिर बाद में मैंने दही बड़े को फ्राई कर लिए और फिर उसको थोड़ी देर पानी में रहने दिया और फिर बाद में जब पानी में से निकाल के फिर उसको दही के अंदर डीप कर दिया। तो ये देखिए मेरा फाइनल दस्तरखान का लुक, माशाल्लाह अल्लाह से जितना सोचते उतना अल्लाह हमको नवाजता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक ने आज भी उनके रहमत हमारे दस्तरखान पे रख दी, अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है माशाल्लाह। और बस ये ऐसा वक्त है यहाँ पे दुआ मांगना है और अल्लाह को राज़ी करना है क्योंकि अल्लाह हमारे बहुत करीब होता है। तो बस हम यहाँ पे सब लोग बैठेंगे और सब लोग दुआ मांगेंगे और माशाल्लाह यहाँ पे सब लोग दुआ मांग के जब भी पूरा दिन अपने रोज़े रखते हैं तो बेशक हक होता है अल्लाह से बातें करने का। तो बस यहाँ पे सब लोग बातें करेंगे और फिर रोज़ा इफ्तार करेंगे। अब तक